आईआईटी का सस्ता आईआईटी का पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे जिप्सी निकलती है, वो भाई पेट्रोलिंग करती है, राउंड्स लगाते हैं, कोई भी इशू आता है, खोया पाया सामान हो गया, सब कुछ यहाँ पर आप आते हैं और करते हैं। और बाकी यार ये अपने बायोटेक लॉन्स हैं, इनको बायोटेक लॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाला जो पार्ट है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसके सामने लॉन है, तो शायद इसलिए कहते होंगे बायोटेक लॉन्स। यहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा यार, बड़ा अच्छी वाइब आती है, बैठ सकते हो थोड़ा, इतने स्ट्रेस वाले माहौल में बीच में थोड़ा चैन मिल जाए, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। ऑल्दो ये मैं कहूँगा वह लेटली कैंपस में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी भी रहती है, इसलिए शायद बायोटेक लोन ये भी हो सकते हैं। पर नहीं, वैसे बायोटेक क्यों बोलेंगे, अच्छा टेक इसलिए कि टेक्नो आईआईटी है। नहीं भाई, वैसे ये बता रहा हूँ वो ना बायोटेक, भाई सीधा दिख रहा है तेरे को, बायोटेक और ये सामने लोन, ठीक है ना। चलो, और भाई ये देख रहे हो आप ये सीढ़ियाँ, ये बेसिकली ऑडिटोरियम में पीछे से घुसने के लिए है भाई, इससे मिलो, ये डी एग्जाम क्रैक किया है इन्होंने और बहुत ही एडवांस चीज़ें करी इन्होंने। यार ये अपना लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, आगे इधर जाके इधर एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में बड़े लेक्चर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है और ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, पर जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लेक्चर होते हैं मोस्टली उस साइड पर होते हैं। और मौत तब आती है जब देखो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, आप उधर से चले और ऊपर भी मान लो उसमें आपके चौथे पाँचवें फ्लोर पर अगर क्लास लगी है, वहाँ से आप चले, वैसे लिफ्ट है पर फिर भी अब वहाँ चले, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, फिर ब्लॉक 6 तक जाना है, जाते रहो भाई, आपको 2 किलोमीटर एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है 2 किलोमीटर तीसरी क्लास। इस प्रोसेस में आप एंड में ओलंपिक्स में पार्ट ले सकते हो, राइट। मतलब मैं यही देख रहा था कि दिल्ली में जहाँ तक बात है कि कॉमर्स और जो IIT के स्टूडेंट हैं ना, उनमें फ़र्क ये है कैंपस लाइफ में कि कॉमर्स वालों का कैंपस नहीं होता और IIT वालों की लाइफ नहीं होती। बट एनीवे इधर देखोगे IIT जो है ना, ये भी एक आइकॉनिक तरीके से थोड़ा इंजीनियरिंग स्टाइल में इन्होंने IIT कर रखा है, उसको क्लोज से देख, ये आर्ट फ्रॉम जंक लिखने की कोशिश की गई है, कैसी कोशिश है हमें कमेंट्स में बताएं। और बाकी ये आ जाओ, ये अपना भाई मेन प्लेस है, यहाँ पे मैं अपने जो IIT क्रैक कर लेते हैं मेंटीज कईयों के साथ मिलने का मौका मिल जाता है जब पर्सनली, तो इधर आके मैं फोटो जरूर खिंचवाता हूँ। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस, IIT लिखने की कोशिश की गई है, अगेन हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसी कोशिश है। आपको दिखाएंगे IIT का वन ऑफ द सबसे खूबसूरत रोज लेक्चर मेरी आधी जिंदगी वहां गुजरी, आधी यहाँ गुजरी, इस पे आके रोज अटेंडेंस रखती थी, ऐसे सारे कोनों में मशीन है, फोनों में लगाई, फिर वो पीछे और वहाँ पे भाई बैठ के अपना वही फ़ोन चलाना, पूरा पे आंसर वंसर लिख देना। ओ भाई सही यार, वैसे चेयर्स ना बढ़िया लगते हैं देखने में, अच्छी फ़ोटो वोटो भी आ जाती है, बच्चे भी ऐसे निकल रहे होते हैं, थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है वैसे, आपको 4-5 घंटे बैठना हो ना, एक लेक्चर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं है, ठीक है गुड, मज़ा नहीं आता यार, बड़ा बड़े टॉप बड़े ना, हाँ ये बड़ा रोमांटिक सा प्लेस लग रहा होगा। कई लोग क्या करते हैं IIT लाइफ दिखाने के लिए उसमें दिखा रहा भाई कैसे डांस चल रहा है, रौंदवू इज नॉट IIT लाइफ, IIT लाइफ होती है यहाँ बैठ के अनकंफर्टेबल सी चेयर पे अटेंडेंस लगा के सुबह 8 बजे वहाँ पे एकदम जहान की इतनी कठिन मैथ्स पे आधारित चीज़ों को पढ़ना, ठीक है पूरा दिमाग चला के, वो भी 4-5 घंटे भी चल सकता है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर, बीच में आपको 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर जाना भी पड़ सकता है, फिर बीच में आपका जब मैथ्स का टाइम आएगा आप उधर जाओगे, फिर 1.5 किलोमीटर उधर गए, फिर वापस आ गए 3 किलोमीटर की, इधर नहीं। लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर को कॉलेज लाइफ समझ लेते हैं। यार इनको पता भी नहीं है अभी क्या होने वाला है। चलो गुड गुड प्लेस भाई, टाइम दिखा दे इनको किस टाइम बना रहे हैं, मेरे को मजा क्यों आ रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं, इसमें पढ़ता नहीं होता है कि मैं हो चुका हूं भाई पास यहां से।
मैं पढ़ रहा हूँ मेरा भाई है ना ला मैं तेरी वीडियो मेरा भाई है ये पढ़ रहा है भाई और भाई आई अंडरस्टैंड आ जा डोगरा हॉल है दिख रहा छोटा ठीक है और ये अपनी मेन बिल्डिंग है इधर से ऐसी दिख रही है भाई तूने नहीं मेन बिल्डिंग से कभी इसको देखा है एलएचसी को मेन बिल्डिंग से एलएचसी को हाँ देखा बड़ा सही लगता है कोई बहुत बड़ा लगता है एलएचसी वैसे छोटा लगता है अच्छा भाई इधर कॉरिडोर भी दिखा रखते हैं ना ओह बढ़िया क्लास चल रही है क्या नहीं नहीं है एमरजेंसी बाकी यार जन्माष्टमी का दिन है क्या खुल रहा है बेटे देखो यार ये वाला छोटा लेक्चर हॉल होता है ठीक है यहाँ पे ट्यूटोरियल होता है मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो कैंपस होता है ना कि जैसे शुरुआत में फर्स्ट ईयर में ना सारे बच्चों के कोर्सेज सेम होते हैं तो हर एक कोर्स में जो एनरोल्ड बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए बड़े बड़े लेक्चर हॉल चाहिए होते हैं फिर आगे जाके डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं बच्चे तो डिपार्टमेंट्स की इंडिविजुअल क्लासेज होती हैं इसलिए लेक्चर हॉल ऐसे छोटे हो जाते हैं ये आपका देखो ऐसे बोर्ड था ये कैमरा पता क्यों होता है कैमरा सर्वेलेंस के लिए नहीं है यहाँ पे ना प्रोफेसर इसके नीचे नोट्स वोट्स रख देते हैं वो फिर इस पे प्रोजेक्टर पे आ जाते हैं ऐसे बाकी ये सेंट्रल एसी सारे में है ही ये अपना प्रोजेक्टर सारी फैसिलिटी है ऐसे प्रोफेसर के लिए अच्छा भैया लिखा बन गए वैसे आई टी में जब थोड़ा बड़ा डर के रहता है उसने यहाँ पर बड़ा एक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ पे ये रूम लेके बन गया पता नहीं जाऊँगा ओके भैया चलते भाई देखिए भाई जब तक उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर ये खुराफात कर रहे हैं हम भाग चुके होंगे वी आर द पायरेट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली हाँ वो भारतीय बिल्डिंग है वो व्हाटएवर यहाँ पे सैनिटाइजर रखा है और देख रहे भाई लाइट साइड है आईडी वाले लाइट साइड आती है बस ये अभी भी लोगों को कोरोना है ओ भाई ये इधर क्या है ना इधर रैंप होता है इधर रैंप अभी देखा है बंद कर दिया ये रैंप तो है ही भाई ये रैंप इधर रैंप का व्यू बड़ा अच्छा आता है मेरा यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखा करता था एक समय अभी भी दिखता होगा दिखता है पर मैं देखता है और वो तिरंगा झंडा दिख रहा ध्यान से रहे फोन की यहाँ पे आपको दिखेगा कि पेड़ बहुत ज्यादा है ये बहुत बड़ा स्कैम है कि आईआईटीज के कैंपस बड़े होते हैं आधे से ज्यादा में पेड़ लगे होते हैं भाई पेड़ बढ़िया लगते हैं और कुतुब मीनार कहाँ है भाई पर चलो कोई बात नहीं बढ़िया लग रहा है कैंपस छज्जा बढ़िया लग रहा है ये देखो ओ भाई ये रैंप वैसे पता क्यों होता है पता नहीं मेरा क्यों होता है रैंप रैंप चलने के लिए जो वो होता है ना पीडब्ल्यूडी वाले तो उनके लिए भी सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते वैसे तो लिफ्ट यूज़ करते हैं पर लिफ्ट का ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना तो इसलिए रैंप है अपन वैसे यूज़ करते थे भाई रैंप पे क्या होता है पता भी नहीं चलता चलते चलते तो रैंप यूज़ कर लेते हैं अपन भी और पता तू इधर है तू इधर अब आता है भाई फोर्थ ईयर में तेरा आता है इधर उधर इस साइड को आना इस साइड को आता तू यहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर लैब्स होते हैं ना यहाँ नहीं आता भाई गर्मी सी हो रही है चलो नीचे चलते हैं राजा सीढ़ी से चलते हैं एक फ्लोर और नीचे चलते हैं इनको लैब ये रैंप से चलते हैं भाई सीढ़ी से क्यों जाएंगे जब रैंप है तो मुंडा सीढ़ी से क्यों जाए एलिजमेंट 325 भी होता है वो नीचे होगा देख हम 6 से 5 में तो आएंगे 4 हो जाएगा बस 3 पे चल लेंगे रैम से चलते हैं भाई थोड़ी कसर को भी जाएंगे भाई सच बता रहा हूँ आईटी में कबूतर भी रहते ये देखो ये एडवांस कबूतर है एक मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग ये देखो ये रहा एडवांस कबूतर हाँ भाई और भी क्या रैंक थी भैया आपकी रैंक क्या थी
एंड व्हाई डू शिट ऑन पीपल, वो कमेंट्स में बता देना व्हाई डू दे शिट ऑन पीपल, समझ नहीं। ओके भाई ये हो गया लेवल 4। ओके अरे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड इधर भी देखो, फिर यहाँ पे अलग लैब्स हैं, ये मेरे ख्याल केमिस्ट्री लैब खुल गई ना, नहीं ये दूसरी है, ये पीवाईपी वाला लैब है, ये इलेक्ट्रिकल लैब्स है भाई, ऐसी भाई पीवाईपी लैब होती है भाई, बंदों को जो बस फर्स्ट ईयर के आईआईटी दिल्ली के बंदे अगर उसको देख रहे हो अपनी वो दुखी दास्तान बताओ पीवाईपी वाली लैब की। हाँ भाई भाई मैं बता रहा हूँ आईआईटी में यूँ ही ना बंदे पतले नहीं हो जाते, हमारी समझ फूले आ रही है, हम कैंपस में ना हमने सोचा तूफानी करते हैं उधर कैंपस में, अब पार्क करके अब हम यहाँ पैदल घूम रहे हैं और भाई समझ फूल गई बहुत बुरी वाली। मैं बोल तो रहा हूँ जब तक आप हॉस्टल से लेक्चर हो लाते हैं आप ओलंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं, इतने अच्छे एथलीट्स बन जाते हैं। इधर ये वाली कौन सी, ये पीवाईपी है क्या? दिस इज पीवाईपी, पीवाईपी मतलब द हॉरिबल पीवाईपी, गुड डांस तो कर, ये डांस करता है भाई बहुत जबरदस्त। ओ भाई ये अपना एकेडमिक सेक्शन है, ये अपना वही फेमस पिरामिड, आ जाओ भाई आप चलते हैं यार, और इधर LH 325 चलते हैं, आ जाओ भाई, खुला ना हो कहीं देखिए, खुला ना हो कहीं देखिए, बड़े LH में ना कहीं बड़ी वो लोग देते हैं ताला। अरे हम हैं तो खोल के चलो भैया हम चलते हैं, टाइम आ गया, टाइम होया जाने का, पैदल चलते हैं यार, कसरत हो जाए थोड़ी।